पहले सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूंगा और आपका मैं वेलकम करूंगा इस हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जो कि आपने हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, डेमो क्लासेस के लिए आपने रिक्वेस्ट फॉर्म भरा और हमारी डेमो ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे मौका दे रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए आप हमने हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उसके बारे में। गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर जो कि एक क्या बोलते हैं इसको, एक स्क्रीन शेयरिंग सिस्टम है जिसके जरिए आप हमारी लाइव कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं और हेडफोन के जरिए आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट भी हैं। कुछ लोगों का हेडफोन वर्क नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, वो पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत करता है क्योंकि इसके जो पैचेज है डाउनलोड होने में टाइम लगते हैं और आप लोगों ने वेब वर्जन पे ज्वाइन किया है तो इसलिए। तो आप लोग चाहो तो अपने मोबाइल फोन से भी ज्वाइन कर सकते हो गो टू मीटिंग ऐप के मदद से। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये आपका सेलफोन में भी चलता है और आपका सिस्टम पे भी चलता है, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, चाहे एंड्रॉयड हो या विंडो हो या फिर आपका कंप्यूटर ओएस हो, और सब पे वर्क करता है। गो टू मीटिंग ऐप आप विंडोज एंड इसके लिए एंड्रॉयड फोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल है एप्पल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कंपेयरिंग करते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग और इसकी ट्रेनिंग। अब किसी क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए जाएंगे आप, तो ट्रेनर क्या करेगा, वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपकी कंप्यूटर पे लाइव टेलीकास्ट करेगा। जी हाँ, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपके कंप्यूटर पे लाइव टेलीकास्ट, आप माफ कीजिएगा, लाइव टेलीकास्ट आपके कंप्यूटर पे नहीं, प्रोजेक्टर के थ्रू वो प्रोजेक्ट करेगा। मैं गलत बोल गया, प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट करेगा और आपको शो करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल फोन पे लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। अब इसका बेनिफिट यह है कि शाम के 8 बजे या शाम को 10 बजे, 11 बजे या सुबह अर्ली मॉर्निंग, ऐसे टाइम में आप हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। तो ये बेसिकली बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस देने का मेरे पीछे मोटिव ये था, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ और मैं भी जब वर्किंग था और उस समय में ट्रेनिंग काफी ज्यादा, ट्रेनिंग के बारे में मैं रिसर्च किया था, तो प्रॉब्लम एक ही होती थी कि मुझे जॉब इफेक्ट होता था, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग, मोस्टली ट्रेनिंग सेंटर आपको सुबह 9 से और शाम के 6 बजे के बाद ट्रेनिंग नहीं देता है, और हम लोगों की मोस्टली जॉब इसी टाइम पे होती है। अब ट्रेनिंग लेने के लिए जॉब को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो हम जॉब को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग डेवलप की आप जैसे लोगों के लिए जो कि वर्किंग है। आप जॉब से मोस्टली 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे आ जाते हैं, तो जॉब के बाद या सुबह जॉब जाने से पहले आप हमारे साथ कनेक्ट हो। अब कुछ लोगों ने बोला कि वीडियो क्लासेस, लेकिन नहीं, वीडियो क्लासेस नहीं करना है, क्योंकि वीडियो क्लासेस के लिए यूट्यूब पे तो लाखों करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से लोग देख सकते हैं। एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट को फील ना हो, आप लोगों को फील ना हो कि आप क्लासरूम में ना हो। अब इसकी एक और बेनिफिट है, अब होता क्या है कि अब क्लासरूम में भी हम लोग ट्रेनिंग लेने जाते थे तो ट्रेनर ने 10 चीजें बता दी, क्लासरूम से बाहर निकलते हम 8 चीजें तो भूल जाते थे, घर जाते जाते एक एक चीज और भूल गए, एक आध चीज वही जो माथे में घुसी और याद रहा,
ये सिर्फ ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि हमें अभी तक जो आपने सीखा है, 8th क्लास से ले लीजिए, 8th क्लास से ग्रेजुएशन से चीजें सीखी है, उसका 1 या 2% हम लोगों के पास मेमोराइज है। तो यही चीज तो एक्सेल के साथ भी होगा कि मैं आपको पांच आपको जो है 200 250 फॉर्मूले बताऊंगा, तो आपको याद रहेंगे 10 20। क्यों? क्योंकि 10 20 इसलिए याद रहेंगे जो इसको यूज करते हो आप। तो हमने क्या किया, हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग की सेल किया, हमने नोट्स नहीं दिए, हम बोले कि नहीं, रिटेन नोट्स नहीं लेना है, क्योंकि रिटेन नोट्स होता क्या है, कुछ दिनों बाद घर पे बैठे 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 और रद्दी के फाव से पेपर के साथ दिख जाते हैं, कुछ दिन आप संभालेंगे कुछ दिन बाद दिख जाएंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग जो कि अपने ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, अपने सिस्टम में आप स्टोर कर सकते हो, और उस रिकॉर्डिंग की मदद से आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको वीवीए का कोई जरूरत नहीं था, आप फिर भी आपने वीवीए सीखा, बट ऑफिशियल लाइफ में आपने वीवीए का थोड़ा भी यूज नहीं किया, वीवीए का थोड़ा भी यूज नहीं किया। अब प्रॉब्लम इज दैट कि 6 महीने बाद आप वीवीए को भूल गए, अब वापस आपके पास वीवीए से रिलेटेड दो चार काम आ गए, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपना सिस्टम खोलोगे, मेरे बीवी की क्लासेस की रिकॉर्डिंग को, 2 4 10 रिकॉर्डिंग को 2 4 5 मिनट प्रैक्टिस करोगे, एंड नाउ एबल टू राइट द कोड एंड रिमाइंड द बीवी। तो ये रिकॉर्डिंग इसलिए आपके लिए बेनिफिट होगा। दूसरा चीज, ये तो चलो ठीक है, दूसरा चीज आता है कि जैसे ही आप जो है चाहते हैं रीज्वाइन करना, मान लीजिए कि अभी आप ट्रेनिंग लेते समय ध्यान नहीं दिए, ऑफिस का थोड़ा प्रोजेक्ट आ गया और आप ध्यान नहीं दिए, लेकिन 2 महीने बाद लगा कि यार मुझे फिर से सीखना चाहिए, मैं फिर से सीखना चाहता हूं, तो हमारे पास रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी है, आप अपने हमारे क्लासेस को रीज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे किसी भी रनिंग बैच में आइए और अपनी कोर्सेज को रिपीट कर लीजिए, उसके लिए हम आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे सेकेंड टाइम में। अब रीज्वाइनिंग फ्री क्यों दे रहा हूं मैं और कैसे दे रहा हूं, तो बेसिकली मैं सुबह से शाम तक सिर्फ एक्सेल ही पढ़ाता हूं, सुबह से शाम तक ओनली फॉर एक्सेल की ही क्लासेस देता हूं, तो आप किसी भी मेरी बैच में आके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरा एक पुराना स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो अगर आपके साथ मैंने अगर उनको ट्रेनिंग दिया तो मेरा कुछ तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो आए ना आए मुझे आपको तो पढ़ाना ही है। इसी इसी थ्योरी के बिहाफ पे मैं रीज्वाइनिंग फ्री देता हूं, तो क्लासेस में आपको एक तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको जो है रीज्वाइनिंग फ्री होगा और टेलीफोनिक सपोर्ट आपका फ्री रहेगा। क्यों? इन फ्यूचर में ऑफिस में काम करते समय अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हो और फोन करके मुझसे आप बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आपकी छोटी मोटी हुई तो फोन पे सॉल्व कर देंगे, या फिर बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कंसेप्ट और तरीका आपको हम बता देंगे कि भाई आप इस तरह से इसको करें। अब बात आती है कि आप अपने ऑफिस के प्रॉब्लम भी आप क्लास में शेयर कर सकते हो, अगर मिलता जुलता टॉपिक हुआ तो मैं इसी से बता दूंगा, अगर टॉपिक क्लास से बाहर है तो मैं किसी और बैच, जो बैच आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है उसमें उसको हम करा देंगे और उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। तो एक तरह से पूरा हम अपने हिसाब से जितना हो सके हम आपको सपोर्ट देंगे इस क्लास में। अब बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। ऐसे आपने मेरे कोर्सेज को
अपने वेबसाइट पे देखा ही होगा, फिर भी मैं अपने कोर्सेज को एक बार पूरा डिटेल आपको हम मेल कर देते हैं। बेसिकली मेरे पास कोर्स के तीन लेवल है। लेवल वन जिसमें है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, एक्सप्लेन भी कर देता हूं फिर भेज भी देता हूं आपको। पहला हमारा है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, इसके अंदर में हम आपको एक्सेल के सारे इनबिल्ट फीचर कवर करते हैं, एक्सेल के सारे इन बिल फीचर्स जो है उस फीचर को हम कवर करते हैं। उसके अलावा मतलब कि फॉर्मूला नेस्टिंग हो गया, एरो फॉर्मूला हुआ, डायनेमिक चार्ट हुआ, मतलब कि एक्सेल का पूरा प्रोफेशनल यूज जो है वो यूज हम कराते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 25 से 35 घंटे होती है। मंडे टू फ्राइडे आपको एक एक घंटे क्लास मिलता है, क्लासेस में आपको क्लास की वीडियो, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड फ्री रीज्वाइनिंग तो है ही। दूसरा पार्ट हमारा है लेवल टू, जो कि है एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, मतलब कि लेवल वन में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो इन बिल फीचर, जो एक्सेल के इन बिल फीचर्स हैं उनके बारे में। लेकिन ऑफिस में काम करते समय ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका सॉल्यूशंस एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, उसका सॉल्यूशन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, जिसकी मदद से आप जो है अपने लिए खुद के फंक्शंस, खुद के फॉर्मूले और खुद की चीजें डिजाइन कर सके। इसकी ड्यूरेशन 35 से 45 घंटे है। और इसकी फीस पड़ेगी आपको 10,000 रुपीज, और इसमें आपको क्लास के नोट पे सब मिलेगा। तीसरा पार्ट जो है ओम एमएस एक्सेस है। अब देखिए, अगर दूसरा पार्ट करते हैं तो दूसरे पार्ट के साथ तीसरा जरूर आता है। इसमें एमएस एक्सेस डेटाबेस एंड उसके सीक्वल एंड उसकी वीवीए के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स करते हैं, एडवांस एक्सेल फॉर्मूला वीवीए माइक्रो एमएस एक्सेस, मैंने कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन जिसको हम कहते हैं, जो कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए सीए मैनेजर्स एंड अदर जो है जो करना चाहते हैं वो सारे चीज इसमें इंक्लूडेड है। इसकी ड्यूरेशन 85 to 100 आवर है, और तकरीबन आपको ये 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और इसकी फीस 15,000 है, जो कि हमने डिस्कस की है। तो ये डिटेल्स जो है, अब इसकी जो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स डिटेलिंग में आपको लाइन एंड लाइन चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं। तो ये मेल मैं आप लोगों को कर देता हूं ताकि आप लोग सही से इसको स्टडी कर लें, और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप एक बार फोन करके भी फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल मैंने आपको कर दी। अब कोर्सेस से रिलेटेड अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शिवम त्रिपाठी जी, शिवम प्रजापति जी, कुछ प्रॉब्लम है आपको? हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं कंप्लीट कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है सर, तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि जो ये 15,000 फीस है, और यहाँ 85 to 100
जिससे प्रोग्रामिंग है इसकी, तो हाँ मैं सर जानकारी चाहता हूँ कि अगर मैं किसी दिन, मेरे दो क्वेश्चन है फिलहाल, पहला पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं किसी दिन अपने कोई भी वीडियो, 1 या 2 दिन की वीडियो या ट्रेनिंग क्लासेस मैं मिस कर देता हूँ किसी कारण से, देखिए, तो क्या वो मेरे रिकवर होने, जो मैंने पहले भी सर जानकारी ले चुका हूँ। जी जैसे कि आपने पूछा कि अगर आपके क्लासेस छूट गए, जाहिर सी बात है छूटेंगे, ऑफिस में रुकना पड़ जी गया, काम आ गया ऑफिस से, या कोई पर्सनल काम भी हो सकते हैं, तो उस केस में दो जी चीजें हैं। पहली चीज ये कि क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ड्राइव में पहुंच जाएगी, जहां से आपको डाउनलोड करके आप उस चीज जी को रिकवर कर सकते हो। उसके बाद अगर जो टॉपिक सर कीजिए इम्पोर्टेंट, हमारे। अगर अगर आपके पास टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपका मान लीजिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है और वीडियो से कवर नहीं होने वाले, उसे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उसके दो केसेस हैं। पहला कि अगले दिन अगर टीम को भी यही प्रॉब्लम हुई और आपके जो बैचमेट है वो चाहते हैं कि हाँ किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया रिपीट करने का, तो मैं उनके बाद क्लास को रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज बच्चे जी आपके क्लासमेट कहते कि नहीं सर टॉपिक हल्का था, हम समझ गए, आगे बढ़िए, तो उस केस में हम किसी और बैच में या सैटरडे एंड संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस देके हम उस टॉपिक को कवर कर देंगे। ओके ठीक हो सकता है कि है सर। सुबह में मैं हाँ वही सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो मैं आपको बुला लूंगा, आप आ जाइए। अब लेकिन ऑफिस प्रॉब्लम जी है, आप बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल सकते, तो सैटरडे एंड संडे को कर सकते। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आपको हर सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे सकता हूं। उसका रीजन ये जी है बिल्कुल सर। कि मेरे पास जो है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होता है, जी समझ गए ना? तो उस केस में अगर जी आपकी सर टॉपिक, मान लीजिए कि आपकी जो टॉपिक है वो दो चार पांच लोगों की टॉपिक इकट्ठा कर लेंगे, टाइम अगर किसी ने आपसे पहले किसी ने जी बोल दिया कि हाँ सर मुझे चाहिए, तो मैं उसको कमेंट कर दिया, तो मैं उसी को दूंगा, वो तो आपके, वो आपके टॉपिक से ओके रिलेट नहीं करती है तो। जी जी बिल्कुल सर हाँ ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन और है। हेलो, मैं हेलो। हाँ सर एक मिनट।
और एक प्रॉब्लम पे एक सॉल्यूशन दे रहा था। तो और किसी को डाउट है कोर्सेस से रिलेटेड? नो सर, अब हम बात करते हैं पढ़ाने के स्टाइल को। देखिए, हमारी क्लासेस लेने के लिए आप लोगों के पास दो तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो कि आप लोगों के पास होगा। बेसिक कंप इसका नॉलेज जो है वो आप लोगों के पास होगा, मुझे पता है। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए टाइम। देखिए, हमारे क्लासेस में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास ले लेते हैं और क्लास लेने के बाद अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है क्लासेस का। क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है, ये कोई डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स नहीं है कि जिसमें आप थ्योरिकल चीज़ों को रट्टा मार दें या थोड़ा बहुत अपने ध्यान इससे नॉलेज से उसको लिख दें कुछ मिला मिला के तो आप पास हो जाए। ये कोई डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ये आपके ऑफिशियल लाइफ से मिलता जुलता कोर्स है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो भी चीजें कवर होगी वो सारी चीजें आपके ऑफिस रिक्वायरमेंट और ऑफिस में ऑफिस के काम में हेल्प करेंगी। तो जब तक आप इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस, तो जैसे कि मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि पहले तो आप क्लास में हर एक टॉपिक को समझ लीजिए। जैसे जो भी टॉपिक मैं समझाऊं उसके हर एक टॉपिक को पहले समझ। टॉपिक समझने के बाद टॉपिक समझने के बाद उस टॉपिक को वीडियो के देख के, जो वीडियो है उस वीडियो को देख के आप जो है पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। उसके बाद उस टॉपिक को रिसर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे, जगह जगह पे। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया, मान लीजिए आपको पिवट टेबल मैंने पढ़ाया, तो पिवट टेबल पे मैंने आपको दो तीन क्लासेस, दो तीन पांच दस एग्जाम्पल दे दी, तो उसको आप समझ गए। लेकिन वो पांच दस एग्जाम्पल वो आपके लिए ये नहीं है, फुल क्या बोलते हैं उसके लिए फुलफिल नहीं है। क्यों? वो हो सकता है कि उसमें और एग्जाम्पल निकल सकते हैं। तो अगर आप उसको यूट्यूब या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे आप अगर उसको ये करेंगे, सर्च करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको उससे रिलेटेड और भी नई चीजें उसमें आपको मिलेगी, ठीक है ना? उसमें और भी नई चीजें आपको मिलेगी। जो चीज समझ में आया ठीक है, कुछ आपने इंटरनेट पे देखा कि कुछ नई चीज है, उसको आप डायरी में नोट करें। नोट करने के बाद मुझे अगली क्लास में बताएं कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमने ये चीजें देखी थी और मुझे ये चीजें समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उन सारे चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ऑफिस में अगर मैंने मान लो कि पिवट टेबल में कोई नई चीज दिखाया और उसको आप ऑफिस में रिसर्च, ऑफिस में इंप्लीमेंट करें, फिर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आप भेज, अगर ऑफिस का डेटा कॉमन ये है आपका मेल नहीं कर सकते, तो उसी तरह का सैंपल डेटा बनाए और मुझे भेजें, ठीक है सर? इस तरह से हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको लर्न करने से पहले कुछ एक्सेल की पहले से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है, पहले से कितना चीजें आप जानते हैं। इसकी मुझे कोई डेटाबेस तो नहीं है ना, इसलिए जब भी हम किसी का बैच स्टार्ट करते हैं तो एक वीडियो भेजते हैं जो कि 5 आवर्स की वीडियोज है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज कवर की हुई है।
तो मैं नहीं बोलता कि 5 घंटे की वीडियो आप पूरी देखो, आप वीडियो को प्ले करो, उसमें जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको नहीं आती है, या कुछ एडवांस चीज देख रहे हो उसको देखो, जो चीज आपको आती है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो आज जो है आप पहले कोर्स को एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद टाइम मिले